हेलो एवरीवन, तो हम लोग अगेन अवेंजर सीरीज की अनदर प्रॉब्लम के साथ हैं। ये प्रॉब्लम हमने अगेन लास्ट क्वेश्चन के एंड में ऐड की थी और आपसे आंसर के लिए बात किया था कि आप कमेंट करेंगे। काफ़ी लोगों ने आंसर किया है, पॉजिटिव रिजल्ट है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो आपका जेई एडवांस 2017 के पेपर 2 का क्वेश्चन है। एज इट इज हमने यहाँ पे लिया है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। जब आप केमिकल बॉन्डिंग के PYQ सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन से भरे पड़े हुए हैं आपके पूरा का पूरा PYQ, जिसमें आपसे कोई मॉलिक्यूल दे देगा और उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछता है कि उसमें आपका कितने एटम है जो सेम प्लेन में आ रहे हैं, मतलब ज्योमेट्री पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिकुलर शेप पूछ सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस की जाती हैं। अच्छा, अगर इन सबको हमें सॉल्व करना है तो हमें आना चाहिए सही सही लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, हम लोग एक मॉलिक्यूल का ड्रॉ करके देखते हैं, उसी के बेसिस पर अपन सारे ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे मान लो हमारे पास है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि आपको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम बताना है सभी स्पीसीज में जो सेंट्रल एटम है उसमें लॉन पेयर का सम क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम है Br6-2-। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को डिसाइड करते हैं कि इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा। तो सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो आपका नंबर में कम हो, जैसे यहाँ टेल्यूरियम है। अगर नंबर में सेम है तो फिर आप देखोगे कि साइज में बड़ा कौन है। जैसे देखो सल्फर नाइट्रोजन में अगर हम बात करें, यहाँ पे सल्फर भी एक है, नाइट्रोजन भी एक है, तो साइज में बड़ा कौन होगा, सल्फर। अगर साइज भी सेम पीरियड के एलिमेंट हैं अगर, तो फिर हम देखते हैं कि कौन एलिमेंट है जो ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। चार पॉइंट हम लोग चेक करते हैं, नंबर में कम हो, साइज में बड़ा हो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना सके, वही होता है हमारा सेंट्रल एटम। तो हमने सेंट्रल एटम डिसाइड कर लिया, हमारे पास टेल्यूरियम है। दूसरे वाले में ब्रोमीन हो जाएगा, तीसरे में सल्फर हो गया और चौथे में क्या हो जाएगा बताओ, जीनॉन हो जाएगा। तो सेंट्रल एटम पता चल गया। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमें यहाँ पे कंसिडर करना होता है वो ये है कि आप देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। क्या क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि जब बॉन्डिंग की बात करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपके पास ब्रोमीन है, टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम जो है वो आपका 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके पास जो है 6 ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा टेल्यूरियम के। और ब्रोमीन 6 हैं और हर एक में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हेलोजन फैमिली के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 नेगेटिव का मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में ऐड कर रहे हैं, डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे। और कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बच्चा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि यही बॉन्डिंग, यही सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो बॉन्ड पेयर और लॉन्ड पेयर बनाने में आपको हेल्प करेंगे। तो ये आपके कितने हो गए, सो 42 हो जाएंगे, 48 और 50, यानी 25 ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास है। अब इन इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज करके हमें जो अपनी स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करना है। 25 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर हम नहीं ले सकते। तो देखो क्या करना है, पहला पॉइंट सेंट्रल एटम्स डिसाइड किया, दूसरा पॉइंट सभी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, इंक्लूडिंग चार्ज, है ना, नेगेटिव है तो ऐड कर देंगे, पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे। अब सेंट्रल एटम को आप ड्रॉ करो और 6 ब्रोमीन है तो 6 Br इसके साथ आप क्या कर दो, डायरेक्टली बॉन्ड से जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से। ध्यान रखिएगा आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, अभी हम इसके शेप की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। हो सकता है शेप उस तरह से अरेंज नहीं किया गया हो जिस तरह से एक्चुअल में होता है। अभी पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन पेयर निकल आए फिर हम शेप बता देंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक, तो हमने 6 बॉन्ड बनाए, मतलब आउट ऑफ 25 आपके कितने इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गए, 6, तो बचे कितने, 19। अब पहले हम क्या करते हैं, साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं।
तो साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर साइड एटम को आप तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर दे दीजिए, मतलब हर ब्रोमीन को आप क्या करिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करा दीजिए। तो हमारे पास जो 19 थे उनमें से हमने 6 को तीन तीन दे दिए, यानी हमारे पास बच रहा है एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो बचेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, एक बचे दो बचे, उन सबको आप रख दीजिए कहाँ पे, सेंट्रल एटम के सर पे। क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल यही करना होता है। सबसे पहले सेंट्रल एटम डिसाइड करेंगे। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करना है, आपका नंबर में कम होना चाहिए, साइज में बड़ा होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सकता हो वो सेंट्रल एटम होगा। तो यहां पे हमने सेंट्रल एटम पहले डिसाइड किया, टेलुरियम आया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं, हमने सबको सम किया और 25 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। सेंट्रल एटम से सभी साइड एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर यूज होंगे उनको माइनस कर दीजिएगा। 6 साइड एटम है तो 6 यूज हो गए, बचे हमारे पास कितने, 19 बचे, 19 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो 6 BR साइड एटम है सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑलरेडी एक बॉन्ड उन्होंने बना रखा है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के हैं, और बाकी अगर हम तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर सबको दे दें तो ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। जैसे ही साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर आप कहां रख देंगे, सेंट्रल एटम के सर पे। तो बचा हुआ लोन पेयर हमने रख दिया सेंट्रल एटम के सर पे। अब अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालें तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, बॉन्ड को तोड़िए और इलेक्ट्रॉन, हाँ जब बॉन्ड को तोड़े तो ध्यान रखिएगा, आप ये मान के बॉन्ड को तोड़ते हो कि हमारा जो बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड तोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन BR के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन टेलुरियम के पास आएगा, 100% कोवलेंट मान के ही हम बॉन्ड तोड़ेंगे जब फॉर्मल चार्ज निकालना हो। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो BR पे 6 हैं एज ए लॉन पेयर, और एक बॉन्ड से आया तो हो गए 7, 7 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 यहाँ पे भी आ रहे हैं, इसका मतलब ना तो प्लस है ना माइनस है, ना तो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं ना ही ऐड किए गए हैं, तो इस पे आपका 0, तो सब पे 0-0 आएगा। टेलुरियम की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड से आएंगे, 2 एज ए लॉन पेयर हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने का मतलब टेलुरियम पे फॉर्मल चार्ज -2 हो जाएगा, वही फॉर्मल चार्ज हमारी स्पीसीज पे है, डन। तो ये है हमारी एक कंप्लीट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, आप फिर से एक बार सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेंट्रल एटम डिसाइड किया, फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड किए कितने हैं, और सभी साइड एटम को हमने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज करके सिंगल बॉन्ड करके जोड़ दिया है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर से साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट किया है। हाइड्रोजन एटम में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड मत करिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है जो ऑलरेडी हो चुका होगा। देन आपको फॉर्मल चार्ज डिसाइड कर देना, नाउ इट इज द फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसमें कितना लोन पेयर आ रहा है सेंट्रल एटम पे, 1। चलिए दूसरा आप ड्रॉ करिए, तीसरा, ये सारे ड्रॉ करिए, वीडियो पॉज करके आप ड्रॉ करिए और फिर मैच कराइएगा स्ट्रक्चर सही आ रही है या नहीं, अगले वाले में देखो। और दूसरा तरीका ये भी है निकालने का, शॉर्ट तरीके की हम बात करें तो जैसे BrF2+ है हमारे पास, है ना, तो BrF2+ में आप देखो BrF2+, तो ब्रोमीन इज सेंट्रल एटम, ब्रोमीन के पास 7 होते वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने ब्रोमीन से क्या कर दिया, निकाल दिया, कितने बचे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए। अब 2 अगर बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4, 2 बॉन्ड बन गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से आपके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए, तो 2 बचे एज ए लॉन्ग पेयर, और आपका जो ब्रोमीन है उस पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, और फ्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 3-3 एज इट इज आ जाएंगे। तो सेंट्रल एटम ब्रोमीन कितने लॉन्ग पेयर हैं, 2 लॉन्ग पेयर, डन। तीसरा आपका स्पीसीज है SnF3, तो SnF3 में हमारे पास सल्फर सेंट्रल एटम है, बेटा नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है एज अ साइड एटम, तो ये 3 बॉन्ड से बॉन्ड बनाएगा और 5 इलेक्ट्रॉन होते नाइट्रोजन के पास, तो 1 लॉन पे रखेगा, ओके। और सल्फर के पास टोटल कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 यहाँ नाइट्रोजन के साथ बना लिए और 3 बनाएगा किसके साथ, सिंगल बॉन्ड विथ फ्लोरिन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, फ्लोरिन के जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ लॉन पेयर यहाँ पे पड़े रहेंगे। तो सल्फर पे
सल्फर के सारे बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बॉन्डिंग में, जीरो लोन पेयर, ठीक है। और लास्ट है आपका एक्सी एफ थ्री माइनस, जीनोन के वैलेंस सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपने माइनस लगा के उसको कर दिया 9। 9 इलेक्ट्रॉन में से जीनोन के पास 3 बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन ने, तो आउट ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड फ्लोरीन ने बनाए हैं, तो कितने बचे, 6, यानी 3 क्या बचे होंगे इसके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 3 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाए हैं, 1, 2 और 3, तो बच्चा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके यूज हो गए, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, 9 थे, 8 वैलेंस सेल में होते हैं, एक माइनस से आया तो 9 हो गए, तो 3 यूज हुए बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड फॉर्म में पड़े होंगे एज अ लोन पेयर, तो हमारे पास 3 लोन पेयर यहां पर आ जाएंगे। तो अब आप देख लो, पहले वाले केस में हमारे पास लोन पेयर कितने आए हैं, 1 लोन पेयर, दूसरे वाले केस में आपके 2 लोन पेयर आए हैं, और तीसरे SNF में 0 हैं, और लास्ट में आपके 3 हैं। तो बच्चा टोटल आंसर जो आपका आएगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जो हैं, इट्स अ 1+2+0+3, यानी 6 इज द आंसर, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में एक परफेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसी की तरह जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, लास्ट में अगेन हमने एक क्वेश्चन ऐड कर रखा है। ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। इस तरह के क्वेश्चन अगेन हम उन क्वेश्चंस को प्रेफरेंस में ला रहे हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और उनके इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट पढ़ के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन है जिसमें एक कंटेनर है, अ मिक्सर, इन अ कंटेनर अ मिक्सर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 3 सैंपल, कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम आयन एंड लिथियम आयन। 3 आयन है, हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम 2+ है, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तीनों की तीनों। तो इनको आपने लिया है और सभी में ऑल हाइड्रोजन, इसमें कहा गया कि सारे हाइड्रोजन एटम्स आर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी थर्ड सेल में है, और इसके बाद आपका हीलियम प्लस 7th एक्साइटेड स्टेट में है, और लिथियम प्लस आयंस 11th एक्साइटेड स्टेट में है। क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी है, बट फॉर्मूले से अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर इसका फॉर्मूला पता हो। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपसे पूछी है कितनी आएंगी, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपकी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, लेवल 3 की प्रॉब्लम में हम काउंट कर सकते हैं, है ना। टफ नहीं है, बट कुछ लाइंस आप ध्यान रखिएगा, कॉमन हो सकती हैं, कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो उनको ध्यान रखते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, है ना, इसको आप सॉल्व करिएगा। ऑल द बेस्ट।